नमस्कार साथियों, मैं राम पचौरी आपका स्वागत करता हूँ पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एक नए लेक्चर के साथ मैं आया हूँ। ठीक है, तो एक नए लेक्चर के साथ शुरुआत करने के लिए अपन एक नया टॉपिक लेकर के चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है जॉइंट और इसके टाइप के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक कराटे चैम्पियन है, ये अपने फीमर के जॉइंट का मूवमेंट करा के दिखा रहा है। ठीक है, या फिर आप एक ये बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है, इसको देख सकते हैं। ये हमारा पूरा बॉडी का अंदर का स्केलेटन है, जिसमें हमारे बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जॉइंट्स की वजह से हो पाते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं जॉइंट पाए जा रहे हैं। जैसे ये आपके ये देख पा रहे हो, ये वाला यहाँ पर ये एल्बो का जॉइंट है, यहाँ पर ये फीमर का जॉइंट है, इधर यहाँ पर नी का जॉइंट है। इस तरीके से सारे हमारे जो जॉइंट्स हैं इनकी वजह से, इनके एक कंबाइंड रूप में हम देखें तो ये हमारे जॉइंट्स की वजह से ही हमारी बॉडी की मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, हम अगर बॉडी में सीधे तरीके से खड़े हैं, हमारी बॉडी पूरी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका रीज़न भी है कि हमारे जो पीछे वर्टिबल कॉलम पाया जा रहा है, वर्टिबल कॉलम में भी कई तरीके के जॉइंट पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी हुई है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जॉइंट और उसके टाइप से रिलेटेड। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूँ, जॉइंट को लेकर के कहें कि जॉइंट एक्चुअल में है क्या, तो जॉइंट के लिए कह सकते हैं कि अगर दो बोन आपस में जुड़ेंगी तो वो जॉइंट के जरिए जुड़ेगी। ठीक है, वो एक जॉइंट बनाएगी। और अगर बोन किसी कार्टिलेज के द्वारा जुड़ेगी तो भी एक वो जॉइंट बनाएगी। ठीक है, ठीक है, अगर दो बोन आपस में अटैच हो रही है तो वो भी क्या, एक जॉइंट बनाएगी। अगर बोन का कार्टिलेज के साथ भी जुड़ रही है तो वो भी क्या कहलाएगी, जॉइंट बनाएगी। ठीक है, अब जैसे अपन इसको याद रख सकते हैं कि दो बोन आपस में जिसके द्वारा जुड़ती है उस स्ट्रक्चर को लिगामेंट कहते हैं। इसको इस तरीके से याद कर लो, बी एल एंड बी, एन एल स्टैंड्स फॉर लिगामेंट। ठीक है, मतलब लिगामेंट्स के जरिए क्या होगा, दो बोन आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बोन है वो कार्टिलेज से भी कई जगह पर आपको जुड़ी हुई मिलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉइंट को अगर हम एक डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि एनी स्ट्रक्चर दैट जॉइंट द वन बोन टू अनदर बोन और अ बोन विद द कार्टिलेज, तो ये आपके जॉइंट की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कितने टाइप के जॉइंट हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखें, यहां पर मैं डाल देता हूं टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, जॉइंट के टाइप, तो अगर जॉइंट की टाइप देखें तो हमारे जॉइंट तीन टाइप के जॉइंट हमारे को बॉडी में देखने को मिलते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। दूसरा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, ये तीन टाइप के जॉइंट है हमारे बॉडी में पाए जाने वाले हर तरीके का जॉइंट, इन तीन तरह के जॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं इधर कि इसके अंदर ये क्या है, फाइब्रस जॉइंट है, एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और एक आपका साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, इन तीनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि फाइब्रस जॉइंट जो होता है बेसिकली उनमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं फाइब्रस जॉइंट के लिए कि नो मूवमेंट, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए आप इस फाइब्रस जॉइंट का एक नया नाम और देते हो, इसको आप सिन आर्थ्रोसिस भी कहते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिनार्थ्रोसिस। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जा रही। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, सिन का बेसिकली मीन होता है पाप, अंग्रेजी में इसको पाप कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में सिन है तो उसको हिंदी में पाप कहते हैं, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट करना पाप है। इससे याद रख सकते हो कि ये सिनार्थ्रोसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं पाई जाएगी। और ये कैसे है, फाइब्रस जॉइंट है और इनके अंदर क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट आपको इस तरीके का दिखता है कि जैसे आपका एक कोई फाइब्रस जॉइंट है इस तरीके से और एक ये दूसरा जॉइंट है,
तो ये दोनों आपस में क्या एक सूचर के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। अगर इसमें दूसरे तरीके से मैं दिखाऊं, देखो कि यहां पर एक लेयर यहां पे और पाई जा रही है, जिसके द्वारा ये क्या है यहां पर ये, तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये कहलाते हैं सूचर, कहते हैं सूचर, ठीक है। तो जनरली हमारे जैसे इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो स्कल में पाए जाने वाले सूचर है, जो हमारे क्या करते हैं स्कल की जो बोन्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके फाइबरस जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ दूसरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट की। कार्टिलेजिनियस जॉइंट के लिए अगर हम कहें कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट के लिए हम कहते हैं ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब है कि इसके अंदर मूवमेंट तो मिलेगी बट इसके अंदर जो मूवमेंट है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, स्लाइटली मूवमेंट, ठीक है। इसके अंदर आपको मूवमेंट काफी कम देखने को मिलेगी, तो ये आपके जॉइंट क्या कहलाएंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इन जॉइंट्स को हम मूवमेंट के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये जो जॉइंट है वो एम्फी आर्थ्रोसिस टाइप के जॉइंट है, क्या है, एम्फी आर्थ्रोसिस जॉइंट। एम्फी आर्थ्रोसिस का मतलब होता है एम्फी, जैसे इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं, जैसे एम्फीवियन होते हैं, एम्फीवियंस होते हैं, एम्फीवियंस जो है वो वाटर में भी रह सकते हैं और सरफेस पर भी रह सकते हैं, इसीलिए ऐसे जॉइंट जिनके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट पाई जा रही है, पूरी तरीके से मूवेबल नहीं है, तो ऐसे जॉइंट आपके क्या कहलाएंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहलाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल में आप कहें कार्टिलेजिनियस जॉइंट के एग्जांपल, एक तो हो सकता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क इट इज एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसके अंदर बहुत कम मूवमेंट पाई जाती है। और ये जॉइंट जो है कार्टिलेजिनियस, इनको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, जैसे आपके ये वर्टिब्रा है, इन वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये जॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसको आप मैं बता दूं कि ये जो है आपका ये जो जॉइंट है इसको आप यहाँ फिल कर लें, ठीक है। तो ये जो बीच में आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, गद्दी जैसी संरचना है, ये क्या है, गद्दी जैसी संरचना है जो आपको यहाँ दिख रही है, ये क्या करती है, एक्सटर्नल शॉक से बचाती है, ठीक है। दो कार्टिलेज के बीच में, मतलब आपकी ये दो बोन प्रेजेंट है, इनके बीच में कार्टिलेज पाई जा रही है, ठीक है, इनके बीच में कार्टिलेज पाई जा रही है, ये क्या कर रही है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो एक तो हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि इसमें ये तो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसके अंदर आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने को मिलता है, ये आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप याद रख लें, कौन सा, प्यूबिस सिम्फाइसिस के अंदर भी क्या होगा कि आपके जो पेल्विक गर्डल वाला रीजन है, पेल्विक गर्डल वाले रीजन में क्या होगा कि आपके जो दो पेल्विक गर्डल है वो आपस में जो जुड़ते हैं वहां पर भी एक कार्टिलेज पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वहां पर भी एक कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स आपके देखने को मिलते हैं, एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और एक प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। ये दो एग्जांपल आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट के हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज के बाद आता है साइनोबियल जॉइंट। साइनोबियल जॉइंट के अंदर हम कहते हैं कि साइनोबियल जॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है, साइनोबियल जॉइंट के अंदर हमारे को क्या होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा कि साइनोबियल जॉइंट में ये बोल सकते हैं कि ये जो जॉइंट्स हैं इनको हम कहेंगे कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होगी, फ्री मूवमेंट होगी, हर तरीके से ये मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जॉइंट होते हैं साइनोबियल जॉइंट। साइनोबियल जॉइंट में कई तरीके के टाइप होते हैं, इनको मैं अपने आने वाली अगली स्लाइड्स के द्वारा दिखाऊंगा। तो अब अपन चलते हैं स्लाइड पर, जिसके द्वारा अपन ये सारी जितनी भी चीज़ें सीखी उसको आप एक डिफाइंड वे में देख पाएंगे। देखिए ये आपका है स्लाइड जिसके अंदर जॉइंट्स और अपने को टाइप पढ़ने, इसमें देखो ये एक आपका स्केलेटन सिस्टम दिखा रखा है,
ये देखिए, ये बॉडी के अंदर हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर, ये देखिए इस जगह ये जॉइंट है, यहाँ पर एल्बो के अंदर भी जॉइंट पाया जा रहा है, इधर यहाँ पर ये फीमर वाला रीजन है, यहाँ पर भी एक जॉइंट मिलेगा, ये आपका नी वाला रीजन है, यहाँ भी एक जॉइंट मिलेगा, स्कल के अंदर पाए जाने वाले सूचर्स है ये वाले, यहाँ पर भी आपको क्या होगा, कोई ना कोई जॉइंट पाया जाएगा। ठीक है, तो इन जॉइंट के बारे में हमारे को देखना है कि कहाँ पर कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने देखा कि डेफिनेशन क्या है जॉइंट का, तो अपन ने कहा स्ट्रक्चर दैट जॉइन द बोन टू बोन और बोन टू कार्टिलेज द मेक अ जॉइंट, यानी किसी भी जॉइंट को बनाने के लिए या तो क्या होगा, बोन जो है ये जो है बोन वो बोन के साथ अटैच होगी, या फिर कोई पर्टिकुलर बोन किसी कार्टिलेज के द्वारा जुड़ेगी, तो वो आपका क्या कहलाता है, बेसिकली कोई भी बोन अगर बोन से जुड़े या बोन कार्टिलेज के द्वारा जुड़े तो ये क्या करेगी, एक जॉइंट बनाएगी। ठीक है, इसके बाद ये लिख रखा है कि टू बोन आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। अभी बताया था कि लिगामेंट वो जरिया है जिसके द्वारा क्या होगा, दो बोन आपस में जुड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं क्या इसके अंदर टाइप ऑफ जॉइंट्स की। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट्स की, ठीक है, कि कितने टाइप के जॉइंट हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो जॉइंट है वो फाइबरस जॉइंट है, जिसमें क्या लिख रखा है कि इसमें फाइबरस मटेरियल पाया जाता है दो जॉइंट्स के बीच में। दूसरा जॉइंट है वो क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी कि इसमें बीच में जॉइंट में क्या पाई जाएगी, कार्टिलेज पाई जाएगी। और तीसरे टाइप का जॉइंट है वो आपका साइनोबियल जॉइंट है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, साइनोबियल फ्लूइड पाया जाएगा जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, ये तीन तरीके के जॉइंट है, जिसमें मैंने अभी बात करी क्या कि मूवमेंट के बेसिस पर जॉइंट को कि सिनआर्थ्रोसिस, बेसिकली क्या है सिनआर्थ्रोसिस जो है, सिनआर्थ्रोसिस में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं पाई जाएगी। ऐसे जॉइंट जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती, ऐसे जॉइंट सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट कहलाते हैं। जिनके अंदर आपको मूवमेंट मिलेगी, बस स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो जॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, एम्फीआर्थ्रोसिस। और तीसरे टाइप के जो जॉइंट है जिन्हें बोलते हैं डाईआर्थ्रोसिस, यानी कि जो साइनोबियल जॉइंट है वो आपके क्या है, एक तरीके के डाईआर्थ्रोसिस जॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, ये जॉइंट्स देख लिए। अब अपने को वन बाई वन जॉइंट को देखना है कि फाइबरस जॉइंट के एग्जांपल है वो क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जांपल क्या है, और डाईआर्थ्रोसिस जो है यानी कि साइनोबियल जॉइंट के एग्जांपल क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, देखो इसमें क्या दे रखा है, स्कल के अंदर ये पाए जाने वाले ये सूचर्स, ये एग्जांपल किसके हैं, फाइबरस जॉइंट के एग्जांपल है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले ये सूचर्स जो है वो फाइबरस जॉइंट के एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा देखो आप कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर मैंने क्या क्या बताया, दो एग्जांपल बताए थे, एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये देखिए दो ये वर्टिब्रा है, इन दो वर्टिब्रा के बीच में ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, एक तरीके से जॉइंट बना हुआ है, ये दो बोन के बीच में पाया जाता है, इसको बोलते हैं आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जॉइंट। ठीक है, और दूसरा ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये भी क्या है, एक तरीके का जॉइंट है जो दो पीवियस सिम्फाइसिस के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब अपन बात करते हैं लास्ट जो जॉइंट है, साइनोबियल जॉइंट की। ठीक है, अभी तक दो तरीके के जॉइंट हम देख चुके हैं, फाइबरस जॉइंट और कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब हमारे को जो जॉइंट देखना है वो है साइनोबियल जॉइंट। तो पहले आप क्या करें, साइनोबियल जॉइंट का स्ट्रक्चर देख लें कि साइनोबियल जॉइंट बनता किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन उनके एग्जांपल्स के ऊपर मूव करें। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहले कि साइनोबियल जॉइंट हमारा होता कैसे। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये हमारे एक नी का जॉइंट दिखा रखा है, इसमें क्या दिखा रखा है, एक नी का जॉइंट हमारे को यहाँ दिखा रखा है, नी जॉइंट एग्जांपल आपको यहाँ दिया है साइनोबियल जॉइंट को लेकर के। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये दो बोन है, एक बोन ये वाली है और एक बोन ये वाली है। ठीक है, ये दो बोन आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पर क्या है, ये एक साइनोबियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, एक साइनोबियल मेम्ब्रेन है जो बेसिकली क्या करती है, रेगुलरली साइनोबियल फ्लूइड का सिक्रेशन करती रहती है। रेगुलरली साइनोबियल फ्लूइड का सिक्रेशन करती रहती है। ठीक है, और ये जो है ये क्या कहला रहा है, ये आर्टिकुलर कैप्सूल है जो उसके बाहर पाया जाता है, और ये वो कैविटी है
इस कैविटी के अंदर क्या होगा, आपको साइनोवियल फ्लूड देखने को मिलेगा, ठीक है, साइनोवियल फ्लूड देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस बोन के बाहर की जो कवरिंग है, इस कवरिंग को आप पेरिओस्टियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेरिओस्टियम जो है किसी भी बोन की बाहर की कवरिंग कहलाती है। ये दो बोन्स हैं और इनके अंदर ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसका आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि दो बोन को आपस में जोड़ रहा है। और हमारे ये जो साइनोवियल फ्लूड होता है ये बेसिकली हमारे बोन जब मूव कर दिए तो मूव के टाइम पर ये जो है क्या होता है, एक दूसरे को घिसने या फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। तो फ्लूड जो बेसिकली साइनोवियल फ्लूड है ये हमारा क्या कर रहा है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है और हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट को क्या कर रहा है, इजी बना रहा है। और साथ ही साथ ये हमारे जॉइंट्स में क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इससे क्या होगा कि जॉइंट्स में ये घिसेंगे नहीं जॉइंट्स, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया जनरल आइडियल साइनोवियल जॉइंट का जो आपको देखने को मिलता है। क्या क्या देखा, इसमें दो बोन आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जा रही है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और इसके बाहर की तरफ जो आर्टिकुलर कैप्सूल या आर्टिकुलर कार्टिलेज का बना हुआ है, ये देखिए दो आर्टिकुलर कार्टिलेज है और ये जो है आपका आर्टिकुलर कैप्सूल देखने को मिल रहा है, और ये साइनोवियल फ्लूइड है जो इसके अंदर भरा हुआ है। और देखिए एक डिजीज मैं बता देता हूँ इसमें कि साइनोवियल फ्लूइड जो है इसके अंदर क्या होगा कि अगर इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल, ये एक डिजीज वाला पोर्शन है जिसको अपन पढ़ते हैं कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर इसमें आपको साइनोवियल फ्लूइड में दिख रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसकी डिजीज को आप क्या नाम देते हैं, इसको आप कहते हैं गाउट आर्थराइटिस। क्या कहते हैं, गाउट आर्थराइटिस। जिस केस के अंदर क्या होगा, बेसिकली यूरिक एसिड या कह सकते हैं आप मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो है वो आपको साइनोवियल फ्लूइड का जब एग्जामिनेशन करते हैं स्लाइड बना करके, तो उसमें आपको क्या करते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल आपको दिखाई देते हैं। और ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है वो बेसिकली इसका प्रेजेंस आपको गाउट आर्थराइटिस को कन्फर्म करता है कि इस पर्सन के क्या है, गाउट आर्थराइटिस है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का आर्थराइटिस का टाइप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फटाफट से क्या साइनोवियल जॉइंट के कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। उनको सभी को एक एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे ताकि इजीली हमारे को समझ आ जाए कि साइनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके साइनोवियल जॉइंट हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के ऊपर। इसमें कौन कौन से हैं, एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, एक हिंज जॉइंट है, एक पिवट जॉइंट है, एक सैडल जॉइंट है और एक है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये पांच तरीके के साइनोवियल जॉइंट हमारे को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट भी होता है, और भी कई तरीके के जॉइंट होते हैं, एलिप्सॉइडल और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, ठीक है। और कई एलिप्सॉइडल जॉइंट भी पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली अपने को जो काम के हैं ये पांच जॉइंट्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, प्लस इनके सभी के एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में, आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल ये जो है आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, ठीक है। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर हम देखें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको बेसिकली किस में मिलता है, एक तो शोल्डर जॉइंट, यानी कि आपका ये जो शोल्डर वाला रीजन है, यहाँ पर क्या होता है कि एक कैविटी पाई जाती है स्कैपुला के अंदर, ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके अंदर क्या होता है ह्यूमरस का हेड फिट हो जाता है। जैसे ये देख पा रहे हो कि ये एक आपका शोल्डर जॉइंट है, ये क्लेविकल बोन है और ये आपका ह्यूमरस का बोन। तो ये ह्यूमरस वाला बोन यहाँ पर ये देखिए जॉइंट बना रहा है, ये आपका क्या है, शोल्डर जॉइंट है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हर तरीके से बॉडी में ये जॉइंट्स का मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है। सर्कमडक्शन मूवमेंट इजीली हो सकता है, ठीक है, या फिर अडडक्शन अबडक्शन मूवमेंट भी हम करवा सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आपको यह दिखाया, ये एसिटाबुलम कैविटी के अंदर इस फीमर के हेड को फिट किया गया है। क्या किया गया, फीमर के हेड को फिट किया गया, ये भी जॉइंट आपका क्या कहलाएगा, एक तरीके का एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल हो गए, एक तो शोल्डर जॉइंट हो गया और एक आपका क्या हो गया, फीमर का जॉइंट। फीमर यानी कि हमारे जो लेग वाला हिस्सा है, लेग वाले हिस्से में एसिटाबुलम कैविटी के अंदर क्या होगा, फीमर का हेड ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये तो एग्जांपल है आपके क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बेसिकली क्या है, इसको भी देखें, देखें ये आपको जितने भी टाइप के जॉइंट हैं उनका मूवमेंट दिखा रखा है, किस तरीके से हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो है
हिंज जॉइंट जो है वो बेसिकली क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं कब्जा, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, बोलते हैं कब्जा संधि, ठीक है। इसमें अपन क्या कहें कि हिंज जॉइंट का मतलब है कि जैसे पर्टिकुलरली हमारा जो डोर होता है या दरवाजा होता है उसका जिस तरीके का मूवमेंट होता है वैसा ही मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये हिंज जॉइंट में दो बोन्स है, इनका एक तरीके से यूँ मूवमेंट ये करते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये मूव करेंगे तो ये आपके क्या है बेसिकली, आपको ये दिख रहा है ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, हिंज जॉइंट है। और ये एग्जाम्पल के लिए अपन कहें तो आपका जो नी का जॉइंट है और एल्बो का जॉइंट है ये आपका क्या कहलाता है बेसिकली, एग्जाम्पल है किसका, हिंज जॉइंट का, ठीक है। तो अपन ने दो जॉइंट देखे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और एक हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होगा बेसिकली जो मूवमेंट होगी इस तरीके से होगी कि एक सांचे के अंदर कोई पर्टिकुलरली बॉन मूव कर रही है, ठीक है। और हिंज जॉइंट में क्या है, दरवाजे की जैसी मूवमेंट होती है बिल्कुल वैसी जॉइंट आपको हिंज मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जाम्पल हैं आपके एक तो इंटरकार्पल और एक आपका इंटर टार्सल, यानी कि दो कार्पल बोन या दो टार्सल बोन, कार्पल बोन हमारे हैंड के अंदर होगी और टार्सल बोन हमारे क्या होगी, लेग के अंदर बैठ जाएगी, ठीक है। तो फुट वाला रीजन है वहां पर आपको टार्सल बोन मिलेगी। तो ये जो एग्जांपल जैसे दे रखे है ये आपका है कि कार्पल बोन आपस में या फिर आपके ये जो टार्सल की बोन है ये इनके अंदर ज्वाइंट बैठ जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके जो ज्वाइंट है इनके अंदर प्रेजेंट है वो आपके ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट है आपके कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही जॉइंट आपके एग्जांपल है ग्लाइडिंग जॉइंट के। ग्लाइडिंग का बेसिकली मीन है कि ये जो है जैसे दो स्लाइड्स आपस में मूव करती है, ठीक है, दो स्लाइड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ही ग्लाइडिंग मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट आपको जनरली जॉइंट्स के अंदर बहुत ईजिली दिखता नहीं है, ठीक है, बहुत स्लाइड मूवमेंट है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, या तो कार्पल कार्पल के बीच में होगा या कार्पल और टार्सल टार्सल के बीच में पहले, तो आपके कार्पल रिस्ट के अंदर और एंकल के अंदर आपको क्या मिलेगी, टार्सल बोन मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पिवोट जॉइंट, ठीक है। देखो पिवोट जॉइंट बेसिकली आपको मिलता है ये आपके जो ये कहें कि ये जो आपका स्कल है, स्कल के अंदर जो मूवमेंट आपको ये दिख रहा है कि ये जो गर्दन है इस नेक को आप इस तरीके से राउंड मूव करा सकते हैं। ये वाला जो मूवमेंट है ये आपका एटलस और एक्सिस दो बोन पाई जाती है आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर, वहां पर ये जो जॉइंट है ये देखिए, ये देख पा रहे हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि आप राइट और लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये एटलस और एक्सिस के बीच का जॉइंट क्या कहलाता है, पिवोट जॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चार जॉइंट अपन ने पढ़ लिए, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक हिंज जॉइंट, एक ग्लाइडिंग जॉइंट और एक पिवोट जॉइंट। अब अपने को क्या करना है, एक आखिरी जॉइंट है जिसको पढ़ना है, उसके बाद आपका जॉइंट्स वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सैडल जॉइंट जो है वो रह गया, ठीक है। सैडल जॉइंट बेसिकली आपको कहाँ मिलता है, सैडल जॉइंट आपको बेसिकली मिलता है कि ये देखो ये मिल सकता है जॉइंट आपको एक तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, ठीक है, यानी कि कार्पल और मेटाकार्पल बोन, या फिर अपन यहाँ कहें कि जो टार्सल बोन है, ठीक है, टार्सल बोन है और मेटाटार्सल बोन है इनके बीच में जो आपको मिलेगा मेटाटार्सल, ठीक है, इनके बीच में जो जॉइंट मिलेगा वो आपको सैडल मिलेगा, यानी कि ये वाला जो है इस तरीके से ये जो मूवमेंट है ये वाला इसका जो है टार्सल और मेटाकार्पल के मेटाटार्सल के बीच में या कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है वो आपको मिलता है वो क्या कहलाता है आपका सैडल जॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके जितने भी टाइप के जॉइंट्स हैं वो अपने ने पढ़ लिए, ठीक है। इसके अंदर ये जो जॉइंट वाला पार्ट है ये आपके जो आरपीएमसी के एग्जाम पेपर्स लगते हैं उनके अंदर कईयों बार इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं कि आपको जॉइंट्स के बारे में बताना है कि जॉइंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल सकता है और ये क्वेश्चन आपको बड़ा भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये जॉइंट्स की स्ट्रक्चर आपकी साइनोबल जॉइंट के लिए भी पर्टिकुलर क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया कि साइनोबल जॉइंट जो है क्या होता है, ठीक है, तो आप डायग्राम जो साइनोबल जॉइंट का बताया उसको बना करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।